दोस्तों, इस तरह के मोरक्कन लैम्प्स आपने मार्केट में जरूर देखे होंगे, जो कि बहुत ही कलरफुल एंड डेकोरेटिव डिजाइन्स में आते हैं और एक रॉयल लुक देते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप इस ग्लास बॉटल का यूज कर बिल्कुल आसानी से अपने घर पर ये मोरक्कन लैम्प बना सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले मैं सभी न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरे पहले वाले बॉटल आर्ट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माई कॉन्टेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मोरक्कन स्टाइल बॉटल लैम्प को बनाने के लिए आज मैं यूज करूंगी इस स्क्वायर ग्लास बॉटल का। आप चाहें तो राउंड ग्लास बॉटल का भी यूज कर सकते हैं। और अब इस स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसे पेंट करूंगी ब्लू एक्रेलिक पेंट से। मोरक्कन लैम्प्स जो होते हैं वो डिफरेंट और ब्राइट कलर्स में होते हैं, तो आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसे पूरा पेंट नहीं किया है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे मैंने ऐसे ही रहने दिया है। और जब तक ये पेंट ड्राई हो रहा है, हम प्रिपेयर करेंगे हमारी फोम शीट की कटिंग्स। इस तरह से मैंने फोम शीट की कुछ लॉन्ग स्ट्रिप्स कट की हैं। अगर आपके पास फोम शीट नहीं है तो आप इसकी जगह कार्ड पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब इस बॉटल की जो कॉर्नर साइड्स हैं, यहाँ पर मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लू, और फिर ये जो लॉन्ग स्ट्रिप्स हैं फोम शीट की, उन्हें मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया है। फोम शीट को स्टिक करने के लिए आप यहाँ पर किसी भी क्विक ग्लू, जो कि बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है, या फिर हॉट ग्लू गन का यूज कर सकते हैं। ये फेविकॉल या वाइट ग्लू से स्टिक नहीं होता है। दोस्तों, मैंने पहले भी एक बॉटल आर्ट का वीडियो बनाया है जिसमें लेफ्ट ओवर फोम शीट का यूज करके मैंने मोजाइक इफेक्ट क्रिएट किया है और जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर बॉटल के चारों साइड्स पर फोम शीट के स्ट्रिप्स को स्टिक किया है, और यहाँ ऊपर और नीचे जो पेंटेड एरिया है वहां भी मैंने फोम शीट की स्ट्रिप्स को स्टिक कर दिया है। और अब नेक्स्ट मैं यूज करूंगी इस फैब्रिक लेस का, जो कि मैं बॉटल के ऊपर वाले पोर्शन पर स्टिक करूंगी। इससे एक ब्यूटीफुल जाली इफेक्ट आएगा, जैसे कि मोरक्कन लैम्प्स में होता है। आप इस तरह का कोई भी नेटेड फैब्रिक लेस यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक राउंड लेस का स्टिक कर दिया है। अब सेकेंड राउंड बनाने के लिए मैंने लेस को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट किया है, और फिर इन्हें हम बॉटल पर स्टिक करेंगे। लेस को आपको किस पैटर्न में लगाना है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आप लेस के डिजाइन के हिसाब से एंड बॉटल की शेप के हिसाब से इसे यहाँ पर स्टिक कर सकते हैं। अब ये देखिए, हमारा सेकेंड राउंड लेस का भी हमने यहाँ पर स्टिक कर दिया है। इसी तरह से हम बॉटल का ये जो नेक एरिया है उसको भी लेस से कवर कर देंगे। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एंड नेटेड इफेक्ट आ रहा है इस लेस से। और जो हमने यहाँ पे फोम शीट की लॉन्ग स्ट्रिप्स लगाई थी, उन्हें भी मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है। इसे थोड़ा और डेकोरेटिव लुक देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये बीडेड लेस का, और इसे मैं स्टिक करूंगी ये जो फोम शीट की स्ट्रिप्स हमने स्टिक की थी वहां पर। आप इस तरह का कोई भी लेस या बीड्स का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या फिर जो छोटे छोटे हाफ पर्ल्स आते हैं उनको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर जो दोनों स्ट्रिप्स के बीच का जॉइंट है वहां पर मैं इसे स्टिक कर रही हूँ, और यहाँ नेक वाले पोर्शन पर भी जो जॉइंट था वहां भी मैंने लेस स्टिक कर दिया है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मोरक्कन लैम्प्स जो होते हैं उसमें कलरफुल स्टेन्ड ग्लासेस के साथ ब्रास या फिर मेटल वर्क का यूज किया जाता है। तो अब इसे मेटालिक लुक देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये गोल्डन मेटालिक पेंट का। तो जो ये हमारा ब्लू वाला ग्लास पोर्शन है उसे छोड़कर जितना भी हमने इस पे डिजाइनिंग किया है उसे हम मेटालिक लुक देंगे। और जब हम यहाँ पर गोल्डन पेंट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो हमारी लेस है और ये जो बीड्स हमने लगाई थी उसकी जो पैटर्न्स हैं वो हाईलाइट होने लगेंगे। और ये देखिए कितना ब्यूटीफुल और मेटालिक गोल्डन फिनिश आया है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज कर सकते हैं,
पर अभी इसमें एक एक्चुअल मोरक्कन डिज़ाइन देना बाकी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी इस स्टेंसिल का, जिसमें कुछ इस तरह का मोरक्कन डिज़ाइन पैटर्न बना हुआ है। तो सबसे पहले आप स्टेंसिल को बॉटल पे प्लेस कीजिए और उसे अच्छे से होल्ड कीजिए। स्टेंसिल पर पेंट अप्लाई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इस मेकअप स्पॉन्ज का। यहाँ पे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि आपका जो स्पंज है उसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि आपको पेंट में भी बिल्कुल पानी नहीं यूज़ करना है, आपको एज इट इज़ पेंट का यूज़ करना है, वो लिक्विड नहीं होना चाहिए बहुत ज़्यादा, अदरवाइज जो आपका डिज़ाइन है वो स्मज हो जाएगा। स्पंज में आपको बहुत सारा पेंट एक साथ नहीं लेना है, पेंट को आप इवनली स्पंज में स्प्रेड कीजिए एंड देन अप्लाई ऑन स्टेंसिल। अब धीरे से हम स्टेंसिल को यहाँ से रिमूव करेंगे और ये देखिए हमारा पैटर्न इस पर बन चुका है। और अगर थोड़ा बहुत डिज़ाइन कहीं पर रह गया है तो आप उसे ब्रश से टचअप कर सकते हैं। यहाँ भी बॉर्डर्स को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर रही हूँ और मैंने ब्रश से थोड़ा थोड़ा टचअप करके इस पैटर्न को भी हाईलाइट किया है। इसका जो ये मोरक्कन पैटर्न है विद गोल्डन फिनिश, ये बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है। इस बॉटल लैम्प को लाइट अप करने के लिए आप इसमें इस तरह का जो LED बॉटल लाइट्स आती हैं उनका आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और लाइट अप होने के बाद ये देखिए कितना गॉर्जियस एंड कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। इस नेटेड पोर्शन में से जो ये थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है वो कितनी सूदिंग लग रही है और एक वार्म एंड कोजी सा लुक दे रही है। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये मोरक्कन बॉटल लैम्प बनाने का आइडिया, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने घर के डेकोर को दीजिए एक यूनिक सा लुक। वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग आर्ट एंड क्राफ्ट आइडियाज़ मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।